सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है सैटरडे और टाइम हुआ है 11:24, और हम तैयार हो चुके हैं एक और नई वीकेंड राइड के लिए। और वीकेंड राइड में हम कहाँ पे जाने वाले हैं उसका फैसला हमने आप लोगों पे रखा हुआ है। हमने जो इंस्टाग्राम पे जो पोल रखा था उसके ऊपर हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आता है, और वो रिजल्ट्स के हिसाब से हम कहाँ पे जाते, तो वो रिजल्ट्स डिक्लेयर करने का टाइम आ चुका है। दूसरी चीज़ जो है, जो अगर शायद आपने नोटिस की हो, तो आज हम अर्ली मॉर्निंग नहीं जा रहे। आज हम थोड़ा रिलैक्स होके, थोड़ा आराम करके जा रहे। तो बहुत सारा जो शॉर्ट्स है वो हम लेने वाले हैं। सो ये राइड जो है वो थोड़ी स्लो और मतलब लाइक ऐसे शांत वाली होने वाली है। सो आप भी हमारे साथ राइड करें वर्चुअली, और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करने वाले हैं। सो बी इन दिस व्लॉग, और लेट्स ड्रिंक टी फर्स्ट, और उसके बाद हम जाने की शुरुआत कर देंगे। वी आर वेटिंग फॉर तपन ऑल्सो, सो जैसे ही वो आता है हम जाने की शुरुआत करेंगे। हमारी राइड जो है वो शुरू करेंगे। तो अपन एज ऑलवेज लेट है, 12:30 बज चुके। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वी विल डायरेक्टली रीच टू द लोकेशन। सो आप तब तक रेडी हो जाओ रोड के शॉट्स देखने के लिए। कैन यू प्लीज प्लीज टेल अस व्हाई यू आर लेट? व्हाई यू आर लेट? डोंट आस्क मी। ना 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 ना, डोंट से, डोंट आस्क मी। गौर से देखो उसे। आज आज पहली बार मेरे को लगा, जब नमो ने फोन किया और तुमने बोला ना कि चाय तैयार हो गई, चाय पी रहे, तो मैंने बोला कि यार मतलब लाइक ये ऐसा वंडर कैसे हो सकता है। उसके 20 मिनट से मैं रेडी बैठा हूं। ऐसा वंडर कैसे हो सकता है? ठीक है, उसके 20 मिनट से देख, अभी पूजा तेरे पे आ रहा है, ये बोल रहा है कि ब्यूटी पार्लर में ज्यादा टाइम नहाया भी। तो पर मैंने बोला उसके 20 मिनट में मैं रेडी था। ना 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 ना, तू तू अभी ये जो तूने जो किया है इसका, अगर अगर दोस्तों आप अगर लेट होता है ना, तो पूरा का पूरा जिम्मेदारी इसका ही है, तपन का ही जिम्मेदारी है पूरा। दोस्तों गुड आफ्टरनून हो गई है, और अभी टाइम हुआ है 12:45, हम निकल चुके हैं। लेकिन आप लोगों को बताता था कि हमने जो वोटिंग डाला था, हमने जो पोल डाला था, तो वो पोल का रिजल्ट क्या है, तो वो मैं अभी अभी अपने निकालते हैं। ओके, तो जो पोल है उसका रिजल्ट इस तरीके से है कुछ, जिसके अंदर हमने पहला ऑप्शन था वो है माउंटेन एंड फोर्ट, जिस पे 5 मिले हैं, बीच उस पे 9 वोट मिले हैं, कैंपिंग अंडर स्टार्स जिसके अंदर हमें 20 वोट्स मिले हैं, और जंगल सफारी जिसके अंदर हमें 16 वोट मिले हैं। तो हमें लाइक तो अभी हम सबसे ज़्यादा वोट जिसके है कैंपिंग अंडर स्टार्स के, तो हम वो चीज़ को प्रेफरेंस में लेंगे, और उसके हिसाब से फिर क्या है कि हमने प्लान बनाते हैं। अभी देखते हैं कि हम कहाँ पे जाते हैं, कौन सा लोकेशन मिलता है फॉर कैंपिंग। तो अपन क्या बोलता है, कैंपिंग में भी बहुत सारे टाइप के कैंपिंग होते हैं जो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँगा। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, लोकेशन आपको बता दें, लेकिन ये जो रैंडमली हम रुके हैं यहाँ पे, और ये है शिव शाही वड़ा पाँव। यहाँ पे अलग अलग टाइप के वड़ा पाँव जो है वो अवेलेबल है, जैसे कि शिव शाही है, तंदूरी तड़का है, आचारी चाट है, चिल्ली गार्लिक है। तो हम चारों के चारों टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके का पूरा जो टेस्ट है वो रहता है। राइट, सो लेट्स जस्ट Thank you.
से शुगर कैन जूस और ये है चिली गार्लिक, ये चिली गार्लिक है और ये वाला कौन सा, ये वाला आई थिंक आचारी है, आचारी और ये है तंदूरी, तंदूरी। तो हमारे पास तीन वड़ा पाव रेडी है और एक और बन रहा है शिव शाही वाला, ये तीन वड़ा पाव रेडी है, अभी हम टेस्ट करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे। तंदूरी सही में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मेयोनीज डाला हुआ है, तंदूरी सॉस डाला हुआ है और वड़ा पाव मतलब इतने टाइम के बाद वड़ा पाव ऐसे अलग टाइप का ऐसे खाने का मन कर रहा है, बहुत ही प्यारा है। तो फाइनली बहुत सारा ऑफ रोडिंग और गूगल की जो हाइड एंड सीक है वो खेलने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे कैंपिंग डेस्टिनेशन पे, जो भीमा शंकर के जो माउंटेन्स है उसके ऊपर हो रहा है। सो नाउ लेट्स जस्ट गो एंड सी के किस तरीके का अरेंजमेंट पूरा कर दिया गया है। और व्यू आप देख सकते हो, पूरा मेरे पीछे का जो व्यू है वो बहुत ही अमेजिंग व्यू है, वो आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। भैया किस तरफ जाने का है? सीधा यहाँ से सीधा जाने का। ओके चलो, तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे और बस सनसेट की तैयारियाँ होने लगी है, सनसेट होने वाला है। कितना टाइम क्या हुआ है अभी? 5:25 हुए, तो मतलब अभी हमारे पास तपन कुल मिलाकर आधा घंटा है जिसमें अपने को मोस्ट ऑफ शॉट्स लेने के हैं। तो अभी हम वाइल्ड कैंप में आ गए हैं, बहुत टाइम के बाद हम कैंपिंग कर रहे हैं। नमो, हमने लास्ट मॉनसून में किया था कैंपिंग। हाँ। अभी हम बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आके कैंपिंग कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा प्राइवेट कैंपिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। लेट्स सी के किस तरीके का पूरा जो तैयारी है वो करके रखा हुआ है। सबसे पहले देखेंगे कि कैसा सब कुछ बना है। हेलो, यू गाइस कैन सी द व्यू, पूरा कैंपिंग रहने वाला है। दिस वुड बी द प्राइवेट कैंपिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली। और आप देख सकते हो अच्छी तरीके से कितना बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे बीच में बॉनफायर का अरेंजमेंट है, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। यहाँ पे एक कैंप है, यहाँ पे दूसरा कैंप है, यहाँ पे अच्छा से स्विंग लगा के रखा है। रात को ये पूरा चामक होने वाला है और ये जो व्यू है वो व्यू इनके रिसोर्ट का नाम है, आप देख सकते हो। इनटू द वाइल्ड, दिस इज़ द नेम ऑफ द रिसोर्ट। और
यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बेंच बना के रखी है। और ये व्यू देखो आप, वाह ऑसम व्यू, मतलब बहुत ही प्यारा व्यू आपको यहाँ से मिल रहा है। पूरे माउंटेन्स और बीच में एकदम अच्छी नदी, और क्या पूरा एक्सपीरियंस रहने वाला है। ये पूरा टेंट, पूरा कैंपिंग प्राइवेट रहने वाला है, सिर्फ हम लोग रहने वाले हैं यहाँ पे। और बहुत सारी गेम्स, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बना कर रखी गई है। सो आप वहाँ पे, वहाँ दूर आप देख सकते हैं, आई डोंट नो कैमरा जस्टिस करेगा कि नहीं, पर आपको आर्चरी देखेगा, राइफल शूटिंग, आर्चरी और म्यूज़िक का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो रहने वाला है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू अबाउट कैंपिंग एंड शुरुआत करते हैं अमेजिंग कैंप की। ये उन्होंने मंशन बना के रखा है कि जहाँ पे जिसके ऊपर बैठ सकते हैं। बहुत ही प्यारा, अमेजिंग।